और ये हो गई है सुबह, और मैंने बस अविष्का को लगा दिया है पापड़ सुखाने में। छत मैंने साफ कर दी थी, और देखिए अविष्का कैसे ना छोटे पे जैसे बनाती थी झुंझुना, वैसे झुंझुना बजा बजा के पापड़ निकाल रही है। ये भी ना कमाल की लड़की है, और इसको आज मिल गया अपना बचपन। तो बस जैसे बचपन में काम करती थी ना, वैसे ही ये घुमा घुमा के पापड़ों को फैला रही है। तो बस बच्चों को कभी न कभी सिखाना चाहिए थोड़ी थोड़ी बातें, तो ये मदद करती है मेरी हमेशा इन चीज़ों में, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए फैल गई है चारों तरफ पापड़ ही पापड़, और जो भी पुरानी नई जितनी भी थी आज मैंने सारी पापड़ सुखाने के लिए फैला दी है, क्योंकि लेडीज़ का। और ये क्या है हमारे घर में, वो भी गुलाब का फूल? इम्पॉसिबल, और पहली बार हमारे घर में ये देखिए खिला हुआ है एक गुलाब का फूल। मेरी बेटी सीढ़ियों में खूब मटक मटक के चलती है, और ये क्या एक ही पैर से चल रही है? वापस आओ, जल्दी जल्दी वापस आओ। और ये देखिए वापस, अब चलो दोनों पैर से, मतलब मैं इसे चलना भी सिखाती हूँ कि हमेशा दोनों पैर से ही सीढ़ियों में उतरना चाहिए। अब बना लेती हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाई यहाँ पर नूडल्स बनाए हैं, जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ मिला करके बनाया है, क्योंकि सबको लगी थी भूख, तो मैंने फटाफट नाश्ता बना लिया है और सबको खाने के लिए दे दिया है। हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं भी हूँ बहुत खुश, और बस आ गई हूँ वेलकम करने आपका बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वी ब्लॉग में। और हो गया है मेरा सारा काम, आप देख सकते हैं सारा नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है, और मैं थोड़ा सा वेयर कर ली हूँ। मैंने यहाँ मॉडर्न ड्रेस कैसी लग रही है बताइएगा। और कभी मैं साड़ी पहनती हूँ, कभी मैं सूट डालती हूँ, और कभी मैं मॉडर्न ड्रेस पहन लेती हूँ। मैं सारी चीज़ें इंजॉय करती हूँ, और मैं किचन में ब्रेकफास्ट बना चुकी हूँ, लंच के लिए तैयारी कर चुकी हूँ, और जा रही हूँ लंच बनाने। तो उससे पहले मैंने सोचा ला से कर लेती हूँ थोड़ा सा हेलो हाय, तो क्योंकि होता है ना थोड़ी सी स्माइल, आप लोग मतलब स्माइल होता है ना कि स्माइल जब आ जाती है चेहरे पर, आ जाती है जब व्यूअर से बात कर लो, सब्सक्राइबर से बात कर लो, तो बड़ी स्माइल आ जाती है। तो ये रहता है कि हाँ एनर्जी मिल गई, आप चलती हूँ काम करने। अब जा रही हूँ फटाफट अपना लंच बनाने के लिए। और ये है एमसीडी की गाड़ी जो कभी कभी हमारी गली में आती है। कहते हैं ना हाथ जोड़े नेताओं के पैरों पर नहीं गिड़गिड़ाती है, पब्लिक चुनाव में नेताओं को उनकी औकात बताती है। आज मैंने अविष्का को कहा है कि थोड़ा सा अविष्का नीचे फ्लोर पे झाड़ू लगा दे, तो देखिए मैं यहाँ पर खिड़की में चुप्पे से देख रही, तो अविष्का यहाँ पर क्या कर रही है, कमाल ऐसे ही करती है हमेशा झाड़ू लगाने के लिए। जब तकिए की कुल किसी बच जाती है ना, तो हम लेडीज की आदत होती है उनको कहीं ना कहीं डस्टिंग यूज करने की, तो चलिए मैं भी यूज कर लेती हूँ डस्टिंग। और देखिए हमारे यहाँ का दूध आता है बिल्कुल गर्म। क्या होता है भैंस ना जानती है कि लेट में आएंगे, तो पहले से वो पेट के अंदर गर्म कर लेती है। दिखाती हूँ मैं आपको, या फिर बेचारी दूध वाली ना वो हो जाती है हमसे परेशान, और कहते हैं पूरा पैसा वसूल दूध देते। ये देखिए स्टीम निकल रही है इस दूध में, और ये रियली बहुत गर्म है, तो हम उनको पैसा देते हैं पर पूरा पैसा वसूल लेते हैं गर्म करके दूध देते, पर फिर भी मुझे इसे गर्म करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर गर्म तो बहुत ज्यादा है अभी, ये मेरे हस्बैंड का पहला गिफ्ट है जो इन्होंने दिया था मुझे, और क्या था मुझे खुद भी नहीं समझ में आया, और इनको खुद भी नहीं समझ में आया इन्होंने क्या खरीद लिया थी। भगवान सुनिए, तो ये मेरा पहले बर्थडे था, इन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, ये पहला गिफ्ट था इनका, और इनसे पूछती हूँ क्या था, ये है क्या चीज, ये वो क्या वुमन बनी हुई है वुमन डेगी। इनको खुद भी नहीं पता है कि इन्होंने क्या गिफ्ट किया था। वुमन वुमन का वो है क्या है वुमन का, कई वुमन तो दिख रही है, वो ये उसी वो बनी हुई भाई, कोई वुमन नहीं दिख रही यहाँ पर। हमें लग रहा है ये सैंपल लगाने वाली और कुछ नहीं ज्यादा नहीं,
और सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? और कहते हैं ना कि औरतों में खुजली होती है, जब तक वो अपना जो समाज उधर नहीं कर लेती ना तो बच्चा नहीं पड़ती थी। कहते हैं ना मुर्गा पकड़ में आ गया, तो मुर्गा रील में पकड़ में आ गया। अभी पापा थोड़ा सा शिफ्ट इसको ड्रेसिंग को तो ठीक आराम से रहेगा। हमें तो लगता है कि हम काफी बॉडी बिल्डर है, क्योंकि बहुत भारी होते हैं। तो फाइनली हमारा ये हो चुका है और इसके लिए मैं इनको पिला दूंगी एक कप चाय। हालांकि इनके पेट में चल रही गुड़गुड़ तो कुछ नहीं कर सकते, चाय पिलाने एक कप चाय देते सब कुछ कर सकते हैं। ये सारी दुनिया मिलता है भानुमती का खजाना। और ये देखिए भानुमती के खजाने में हमको मिला है 2 रुपए। तो कहते हैं ना मोहन जोदड़ की खुदाई से निकल गया 2 रुपए। बहुत बहुत मेहनत की चीज है ये। ढोलक है ना, ये ढोलक रखी है मैंने होली के लिए नीचे उतार के, वरना मैं इसको कपड़ा पैक रख सकती। और अक्सर क्या होता है ना वो होली वैसे टांग लेते हैं और बहुत भारी है वैसे आपको पता नहीं, और फिर पता नहीं कैसे बजाते हैं। और पता है जो होली में जो डांस भी करने वाले लोग होते हैं पता कैसे करते हैं, मतलब पूरा टल्ली होते हैं और टल्ली होने के बाद जो है उनका जो डांस का रिएक्शन ऐसे होता है। जो है जब कोई चीज साफ करो ना, मतलब कोई चीज सामान आप हटाओ तो इस तरह से निकलता ही निकलता है। लल्ले इनको कर लेती हूँ साफ। और मेरी टेबल तो देर मतलब लावारिस हो गई है, इसको काले का कुछ चलने नहीं है। फिलहाल मैं इसको ये रख देती हूँ, देखेंगे कहाँ रखते हैं बाद में। और जानते हैं ये जो है ये फोटो है जिसमें अविष्का है, और कैमरा का जो भी कैमरामैन था उसने फोटो देखी कैसी लीजिए, जिसकी फोटो खींचनी चाहिए थी। ये 11 दिन का बच्चा है अविष्का, उसको तो दिखाया ही नहीं है, मतलब मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है यहाँ पर, और ये देखिए बच्चे को ढूंढना पड़ रहा है इस फोटो के लिए। क्या कैमरामैन है ना। जब ये गिफ्ट मम्मी मतलब मेरी मम्मी के सामने मेरी जब एंगेजमेंट हो गई थी तब मेरे हस्बैंड ने मेरे फर्स्ट बर्थडे पे दिया था, तो मेरी मम्मी ने पूछा ये है क्या, कह लेगी क्या मनीष दारू की बोतल लेके गया है क्या तुमको दिल्ली में करेंगे बाद में। मेरी मम्मी यही कहती रही कैसा दिल्ली का लड़का है जो दारू की बोतल लेके चला गया। रियली आई वॉज शॉक्ड। और उन्होंने कहा ये लड़का कहीं पीता तो नहीं है, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी मेरे इनसे पूछा था कि तुम ड्रिंक तो नहीं करते हो, ड्रिंक नहीं करते थे पर उनको नहीं पता था कि ये ड्रिंक की बॉटल जैसा लगेगा, उन्हें लगा ये कोई शो पीस है इसलिए उन्होंने खरीदा था। और आपको पता है ये ड्रेस मैंने जब क्यों करवाया, उसका रीजन था ना कि मैं पोजेस नहीं दे पाती थी, वरना एक्चुअली मैं ऐसे ऐसे पोजेस देती हूँ ना तो ड्रेसिंग के सामने बड़े अच्छे लगते थे आपको और उनके पापा को मैंने बता दू ना कि मैंने इसलिए ड्रेसिंग करवाया खुद कर देगी मैंने उनको बताया नहीं, मैंने उनको बताया बस कि रोशनी ना इधर साइड से कम आती है, पर रियल में यही रीजन था। और ये देखिए भाई साहब जो है आराम कर रहे हैं, कहते हैं ना हमारे घर में जो है इंसान नहीं जूते आराम करते हैं कुर्सियों पर, ये सब इनके पापा का काम है जो हमेशा उल्टा पलटा करते रहते हैं। और चलिए बना लेते हैं खीर थोड़ी सी, ड्रेसिंग खिसकाई है तो थोड़ी तो घूस खिलानी पड़ेगी ना, और घूस खाने के बाद अपने आप ही वो शांत हो जाएंगे। और हमने बना ली, मैंने बना ली खीर और मैं जा रही हूँ सबको देने, खीर खाने जा रही हूँ। तो आइए, तो ये है पतिदेव, चलो स्पून लेते हैं कुल कुछ मुंह मीठा कर लेते हैं। और मुंह मीठा किस खुशी में पता है, इनके पेट खराब होने की, जब से इनका पेट खराब हुआ है ना छोले चावल खीर और क्या क्या बन रहा है पूछिए मत, वैसे ही कंट्रोल करते नहीं है, कोई फायदा है नहीं, मूंग की खिचड़ी बनाने का इनका कोई फायदा नहीं है क्यों जी। तो इनका चल रहा है इसमें परहेज, डॉक्टर ने बोला है कि आप छोले चावल और थोड़ी सी खीर वीर खा लीजिएगा पेट सही हो जाएगा बिल्कुल। आज हमारे यहाँ लाइट थोड़ी डिम हो रही थी तो मुझे याद आएगा कि इन्वर्टर की सर्विस करनी है, तो इन्वर्टर की सर्विस में जो हमारा जो हम कर सकते हैं घर में
वो बेसिकली है कि टाइम टू टाइम उसका पानी भरते रहे, तो जो है डिस्टिल वाटर जो होता है ना वही पानी मैंने इनसे भरवा रही हूँ। और इन्वर्टर पानी भरते समय थोड़ा सा खाली छोड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर जब वो बॉयल होता है तो पानी बाहर आता है, फिर वो जो तेजाब है एसिड है ना वो बाहर निकलने लगता है। कर लेते हैं उसकी साफ़ सफाई, तो मैं वो जो एक्स्ट्रा पानी मिलता है ना उसको साफ भी करवा देती हूँ, क्योंकि जो है तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें तो उसको पानी वानी करके साफ ही रखना चाहिए। मैं ये साफ कर ले रहे हैं और मैं बना रही हूँ चाय और छत पे चाय चढ़ा के आई हूँ, ठीक है, क्योंकि चाय और पापड़ मैंने भुने थे तो ये भी साफ करके आएंगे तो हम लोग खाना खा लेंगे, मतलब चाय पी लेंगे। देखिए ड्रेस फिर से चेंज हो गई है, दिन भर कई बार चेंज होती रहती है इनकी ड्रेस, इनकी कोई गारंटी नहीं है। क्या करके आई हूँ, चाट मसाला डाली उसके ऊपर, अच्छा, चिप्स के ऊपर, चिप्स के ऊपर चाट मसाला डाल के आई है। ये ना अपना जुगाड़ लगाती रहती हैं पूरे टाइम, क्यों तुम्हारे हिसाब से खाना रहे। यस, अब तो मैं अपने फेवरेट चॉइस को आपकी चॉइस सुनना चाहती हूँ। अच्छा, चाय तो हो गई होगी, इसको देखनी भी नहीं आती है ना, गैस बंद कर लेती है ना, ऑन कर पाती है बस, ज्यादा बोलो कि अविष्का गैस तो बस बंद सीधे, बीच का कोई रास्ता नहीं। अब है टी टाइम, तो सारी फैमिली आ रही है टी पीने के लिए, चलो बैठो अविष्का, हाँ। और ये अपने पापड़ लगी पड़ी तब से खाने के लिए, हमने इन्वर्टर पानी भर रहे थे, इन्होंने जो है पापड़ खा के है। आज मैंने चेक किए कि पापड़ रियल में कैसे बने हुए हैं, थोड़ा सा चेक किया। और यहाँ हमारी लाइट जो है वो सही नहीं हो रही थी, वो पोल से ख़राब थी, तो मैंने जो यहाँ पर कंप्लेन कर रखी थी बीएसएस वालों को, तो कहते हैं ना सरकारी लाइट होती तो ये भाई साहब नहीं आते, पर ये प्राइवेट लाइट हो चुकी है तो भाई साहब जो है दौड़ के चले आए हैं दामाद की तरह, जैसे कहते हैं ना लड़की की शादी में दूल्हा बारात लेके चला आता है, तो फटाफट ये आ गए हैं। और लाइट जो ठीक भी हो गई है, क्योंकि मुझे लेनी है, अब मुझे लाइव होना है, और मैंने अपने सब्सक्राइबर को 10 मिनट का टाइम दिया है, तो 10 मिनट में कहते हैं ना 2 मिनट की मैगी बननी है, तो इन्होंने 10 मिनट में फटाफट लाइट ठीक कर दी है, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट है तो प्राइवेट में तो ठीक होगा ही। बस इसी के साथ अपना वीडियो एंड करती हूँ, आपको वीलॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।